वाह, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। मैं पहले अपना ढक्कन खोलकर देखना चाहती हूँ। वाह, किंडर सरप्राइज, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास भी ठीक यही चीज है। कितनी अजीब बात है। हाँ, तुम सही कह रही हो, मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है। अच्छी बात है यह कि हम दोनों भाग्यशाली हैं। मुझे चॉकलेट अंडे पसंद है। मेरी राय में यह सबसे अच्छी डिजर्ट है। देखो तुम कचरा कहाँ फेंक रही हो सूजी, सभी रैपर मुझ पर उड़ रहे हैं। माफ करना, मैं अपने खाने को देखकर ज्यादा ही खुश हो गई थी। मैं इसे खाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। वाह, अंदर कैंडी है, बहुत बढ़िया। उन्हें जल्द से जल्द अपने मुंह में डालना होगा। यार यह कितना स्वादिष्ट है, चॉकलेट के साथ चॉकलेट का सही संयोजन। मुझे और चाहिए। वाह, इस अंडे में गमी कैंडी है, मुझे ये पसंद है। हर बार एक नया सरप्राइज, ये बहुत अच्छा है। अफसोस की बात है कि तुम समझ नहीं पा रही हो कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मुझे आशा है कि मेरे सरप्राइजेस भी उतने ही अच्छे होंगे। वो हम देखेंगे, लेकिन अभी मुझे अपने मजे लेने से मत रोको। वाह चॉकलेट, हर बार सरप्राइज अधिक से अधिक अच्छा होता जा रहा है। तुम क्या देख रही हो, अपने अंडे को खाओ। तुम सही हो, मेरे लिए करने का समय आ गया। यह क्या है, असली कच्चा अंडा? मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। क्या तुम्हें लगता है इतने से ही हो गया? नहीं, इसे पूरा खाओ। आशा करती हूँ कि कुछ और हो। मैं फिर से अंडे का स्वाद नहीं चखना चाहती। अरे नहीं, फिर से घिनौना, कितना खराब। मुझे अंडे से नफरत है। लगता है किसी की किस्मत उसके साथ नहीं है। देखो मेरे पास और भी चॉकलेट है ना बढ़िया। वैसे मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, हम इसे हवा में उछाल सकते हैं और अपने मुंह से पकड़ सकते हैं। देखो कितना आसान है। मुझे भी दो। ओह दर्द हुआ, तुम बस मना कर सकती थी। मुझे चिढ़ाना बंद करो, ये मजाक नहीं है। मुझे लगता है मैं जानती हूँ कि सूजी से कैसे बदला लिया जा सकता है। उसे असली अंडा देना होगा। मुझे तुम्हारी आंखों में ईर्ष्या दिखाई देती है, ये तुम मान लो। यह क्या है, ये बिल्कुल चॉकलेट जैसा नहीं लग रहा है। छी, कितना घिनौना है। मुझे पता है ये तुमने ही किया है। तुमने मुझ पर क्यों थूका सूजी? यह कुछ भी नहीं है, अब तुम खाओ। तुम्हें पता है मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरे पास एक शानदार योजना है। मेरी राय में यह कॉस्ट्यूम मुझे बहुत सूट करता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम क्या कर रही हो। मैं स्वादिष्ट फ्राइड अंडे बनाऊंगी, ऐसा कि तुम मुझसे ईर्ष्या करोगी। क्या सुगंध है, बढ़िया है ना? यहाँ से हटो सूजी, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा खाना बना सकती हो, लेकिन मुझे डर है कि तुम अपनी डिश का स्वाद नहीं चख पाओगी। मैं इसे रोक दूंगी। तुम क्या कर रही हो सूजी? अरे नहीं, अंडे मेरे चेहरे पर गिर गए। और यह रहा हमारा नया खाना। चलो रॉक पेपर सीजर से पता करते हैं पहले कौन शुरू करेगा। हुर्रे, ये मैं होऊंगी। वाह, कोक की बोतल, तुम भाग्यशाली हो। आओ देखें कि मेरे पास क्या है। मुझे भी कोका कोला मिला है, कितना अच्छा। मुझे लगता है कि इनमें से एक बोतल चॉकलेट है। कितनी अजीब बात है, मैं इसे खोल नहीं पा रही हूँ। शायद इसे अपने दांतों से काटना चाहिए। वाह, यह चॉकलेट है, मैं लकी हूँ। कितना अच्छा, शायद मेरे पास भी चॉकलेट की बोतल हो। नहीं, यह नियमित कोला है, लेकिन यह इससे भी कम स्वादिष्ट नहीं होगा। पता नहीं मेरे बोतल के अंदर कुछ है भी या नहीं। क्या यह वाकई खाली है? यह सही नहीं है। हुर्रे, इसमें से चॉकलेट निकल रही है। लगता है मेरा सपना सच हो गया। कमाल का स्वाद है, मैं रुक नहीं सकती। ये अफसोस की बात है कि सभी अच्छी चीजें इतनी जल्दी खत्म हो जाती हैं। तुम्हें अपने आप को देखना चाहिए सूजी, शायद तुम्हें सब साफ कर लेना चाहिए। वाह, मेरे पास अभी भी बहुत सारे चॉकलेट है, मैं ये सब खा सकती हूँ। तुम क्या कर रही हो, यह अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे परवाह नहीं है, मुख्य बात यह है कि मुझे स्वादिष्ट लग रहा है। खैर, मैं किसी भी तरह से अपनी नाक तक नहीं पहुंच पा रही हूँ। हाँ यह ठीक है, शाबाश सूजी। मैं बोतल के बारे में पूरी तरह से भूल गई। इसे भी खा सकते हैं क्योंकि यह चॉकलेट से बना है। बिल्कुल, यह बहुत स्वादिष्ट है। जब तक मैं पूरा खा नहीं लेती तब तक मैं रुकूंगी नहीं। कम से कम मेरे लिए एक टुकड़ा छोड़ दो, मुझे यह खाना है। मेरे मुँह से पानी आ रहा है। तुम्हें क्या चाहिए? चॉकलेट के लिए तो कहना भी मत, मैं यह किसी को नहीं दूंगी। लेकिन हम दोस्त हैं। अच्छा है कि मेरे पास और कोला है। मुझे लगता है कि तुम इसे मेरे साथ शेयर कर सकती हो। तुम सही हो, क्यों नहीं। देखो अंदर कुछ है। कहाँ पे? वहाँ देखो। मूर्ख, मैंने तुम्हें धोखा दिया सूजी, और तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया। यह सही नहीं है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी? ऐसा नहीं है, मेरे पास स्टॉक में मेंटोस हैं। मुझे लगता है ये बहुत आसान है। हम सभी जानते हैं कि अगर इसे कोक में डालते हैं तो क्या होता है। वाह देखो वहाँ क्या है। बस वहाँ से ध्यान मत हटाना, वहाँ कुछ खास है। बस हो गया,
मुझे कुछ नहीं दिख रहा है सूजी, यह क्या हो रहा है? कोला मेरे चेहरे पर उड़कर क्यों आ रहा है? अरे नहीं, स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है। हम जारी रखते हैं, क्यों नहीं, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है, यह मिर्च है। मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी, तुम शुरू करो। खैर नहीं, इस बार तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती, मैंने इसे खाने से मना कर दिया है, तुम शुरू करो, गुड लक। ठीक है, अगर तुम इतना जोर दोगी तो मैं शुरू करती हूँ। कितना अच्छा स्वाद है। हाँ, ये चॉकलेट है। मैं भाग्यशाली निकली, मैं बेकार में डर रही थी। एक सेकंड रुको, इसका मतलब मेरे पास असली मिर्च है, ऐसा नहीं हो सकता। काश मैं इसे तुम्हारे साथ शेयर कर पाती, ये बहुत छोटी है। खैर आखिरी टुकड़ा बाकी है, क्या स्वादिष्ट है। अब तुम्हारी बारी है। लेकिन मुझे डर लग रहा है, मुझे तीखा खाना से नफरत है। तुमने मुझ पर मिर्च क्यों फेंकी? मैं तुम्हें थोड़ा डराना चाहती थी। मैं पहले से ही डरी हुई हूँ, मुझे इसे मत खिलाओ। बस बातें बंद करो और इसे खाओ, चलो अपना समय बर्बाद मत करो। तुम सही कह रही हो, इसे जल्द से जल्द खत्म करना बेहतर है। मेरे लिए दुआ करना। वाह, ये बिल्कुल भी तीखा नहीं है, मुझे ये पसंद है। ध्यान से, तुमने मुझे सीधे माथे पे मारा। अरे नहीं, मुझे तीखापन महसूस हो रहा है। मिर्च ने अपना असर दिखलाना शुरू कर दिया है, लगता है इसमें थोड़ा और आग जोड़ना चाहिए। ये लो, ड्रिंक पियो। धन्यवाद, पानी से मुझे राहत मिलेगी। लेकिन ये टबैस्को है, तुमने मुझे फिर धोखा दिया। मदद करो, मैं अंतरिक्ष में जा रही हूँ। वाह, ये यहाँ सुंदर है, पर मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। वाह, तुम्हारी उड़ान अच्छी हो सूजी। अरे नहीं, मैं गिरने वाली हूँ, मुझे बचाओ, मुझे चोट लग जाएगी। तुमने मुझे नीचे गिरा दिया। ओह माफ करना, ये दुर्घटना थी। लगभग तैयार हूँ। ओह यह रहा, तुम्हें क्या चाहिए? और शुरुआत करते हैं इस स्मूदी से, मुझे ये बहुत पसंद है। मैं यह कर सकती हूँ। बिल्कुल मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए न केवल स्वादिष्ट बल्कि एक बहुत ही हेल्दी कॉकटेल तैयार करूँगी। लड़कियों, क्या तुम मेरी मदद करोगी? पहले मुझे पालक की जरूरत होगी। धन्यवाद जी। फिर एक ब्लेंडर का इस्तेमाल किया जाएगा। एनी, तुम यहाँ मेरी मदद कर सकती हो। पालक को ब्लेंडर में लोड करना होगा, पर इसे कैसे करना है वो समझ में नहीं आ रहा है। यह आसान है। और धन्यवाद जील, पालक को ब्लेंडर में भर दिया। एनी, मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है, प्लीज इसे पीस दो। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पालक का एक भी टुकड़ा ना बचे। वाह, हो गया, लीजिए। वाह, पहला भाग तैयार है। बेशक यह इतना ही नहीं है, कॉकटेल को स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें कुछ और चाहिए, जैसे कि nice. यह है दही, ये हाँ, यह अच्छा है। अजील, यह तुम्हारे लिए है। मैं उन्हें कैसे खोलूं? आउच, बिखर गया। ओह, कितनी अनारी हो। खैर, दही ग्लास में जाएगा। और अगली बारी तरबूज की है, इसे सभी पसंद करते हैं। लेकिन मुझे केवल एक टुकड़ा चाहिए। जिल, बाकी तुम्हारे लिए है। एक टुकड़ा तरबूज को छोटे टुकड़ों में काटने की जरूरत है। ओह जिल, तुम्हें भी तरबूज पसंद आया होगा। मुझे उम्मीद है कि विकी भी खुश होगी। तरबूज के टुकड़ों को अच्छी तरह से पीसने के लिए ब्लेंडर में डालना होगा। इसे तरबूज के जूस में बदल दे। एनी की वजह से अब मुझे पता है कि यह कैसे करना है। तरबूज का जूस गया कप में और यह स्ट्रॉ और मेरा तैयार हो गया। मुझे इन सभी फलों की जरूरत नहीं है, इनसे बहुत साधारण कॉकटेल बनते हैं। यह भी नहीं। माफ करना, मैं आपको मारना नहीं चाह रही थी, मैं सिर्फ फल से छुटकारा चाहती थी। हाँ, मेरे कॉकटेल का आधार सोडा होगा, ये सभी को पसंद आता है। इन सोडा को विशेष कप में डालना होगा ताकि वे ठंडा हो जाए और थोड़ा गाढ़ा हो जाए। और उसके बाद उन्हें मिलाने के लिए सोडा को एक बड़े ग्लास में डाला जा सकता है। हम पूरी चीज को छतरी से सजा सकते हैं। यह किसी भी बीच से कम खूबसूरत नहीं है। अब देखो और सीखो कि असली कॉकटेल कैसे बनाते हैं। हम स्ट्रॉबेरी लेते हैं,
उन्हें ब्लेंडर में डंप करते हैं और क्रीम डालते हैं और इस मिक्सर को अच्छी तरह से कुचलने की जरूरत है। अब आगे चलो इस फाउंटेन को ले, वहाँ हम तैयार मिक्सर को डालते हैं। यह स्वादिष्ट और शानदार दोनों निकला। विकी, यह तय करने का समय है कि आज कौन जीत रहा है। ओ, कितना मुश्किल है। मुझे लगता है कि मैं जिल के कॉकटेल के साथ चखना शुरू करूंगी। गमी स्वादिष्ट होते हैं। कॉकटेल भी बहुत अच्छा है, मुझे ये पसंद है। मेरे लिए आगे क्या है? दादी का कॉकटेल, उस पर एक तरबूज है। वाओ, मुझे तरबूज बहुत पसंद है। खैर चलो कॉकटेल को ट्राई करते हैं। ये बेकार है, ये बिल्कुल मीठा नहीं है। नहीं, ये अच्छा नहीं है दादी, सॉरी। आशा है कि एनी मुझे खुश करेगी, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। ये शानदार है। हुर्रे, आखिर मैं एक प्रोफेशनल शेफ हूँ। दूसरे दौर में आप मेरे लिए वफल तैयार करें, मुझे नाश्ता करना है। दादी, अपना ध्यान मत हटाओ, यह वफल बनाने का समय है। वफल? यह मेरे बाएं हाथ का काम है, खासकर मेरी पोती के लिए। आटे को एक गहरी बॉल में डालना है और इसमें अंडे और दूध को मिलाना है। अब इन सब को अच्छे से मिलाना है, लेकिन चीनी को नहीं भूलना है। और वफल के लिए डो बनाने के लिए इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करना होगा। यह स्वादिष्ट दिख रहा है। फिर मैं इसे एक विशेष मोल्ड में या बल्कि एक वफल मेकर में डाल देती हूँ और जब तक वे तैयार नहीं होते इंतजार करती हूँ। ओह, सब कितना मुश्किल है, यहाँ तक कि डो को मिलाना भी मुश्किल है। जब इतना सही ब्लेंडर पास में है तो इस विश की जरूरत क्यों है? हम सब इससे मिक्स कर सकते हैं और फिर कुछ और न्यूटेला डालेंगे। तो मिक्सर तैयार है, अब मुझे भी इसे वफल मेकर में डालना होगा। केवल मेरा थोड़ा बड़ा है, इसलिए वफल अधिक सुंदर होगा। ऐसा क्यों? इससे क्या फर्क पड़ता है कि वे किस आकार के हैं? मायने यह रखता है कि इसका स्वाद कैसा है। मेरे वफल तैयार है, बस उन्हें प्लेट में रखना है और थोड़ा सा बटर और मैपल सिरप डालना है। इस तरह से इसका स्वाद और अच्छा होगा। एनी, तुम क्या करोगी? और मैं कुछ और मुश्किल काम करूंगी। हमें एक ब्लेंडर में सेलरी और अंडे डालना होगा। आगे मुझे आटा चाहिए। यह ध्यान रखना है कि इसे ज्यादा नहीं डालना है, हम थोड़ा डालेंगे और उसके बाद चिकनी होने तक सब कुछ को अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अब हम वफल बनाना शुरू कर सकते हैं। पूरे मिक्सचर को एक वफल मेकर में डाल दिया गया है और इंतजार करना है, हमें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तड़ाम, सब कुछ तैयार है। वफल को टुकड़ों में काट कर ऊपर बेरी से सजाएं और यह बहुत स्वादिष्ट होगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। देखो मैंने क्या मस्त आइडिया लगाया है। मैं चाहती हूँ कि न केवल सुंदर हो बल्कि ओरिजिनल भी हो। बेकी को जरूर पसंद आएगा। अब मुझे लगता है मेरे वफल भी तैयार है। वाओ, मैं स्ट्रीट फूड की शैली में एक वफल बनाना चाहती हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे वफल को एक कोन में डालना होगा और ऊपर से आइसक्रीम। दादी जरा पकड़िए। ओह, मैं तो इसे चख भी नहीं पाई थी। थोड़ी सी आइसक्रीम और व्हिप क्रीम कोई बुरा नहीं होगा। और यह तब और भी सुंदर होगा अगर मैं पूरी चीज को रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊं। ओह, इतना ही नहीं, कुछ लॉलीपॉप भी यहाँ बहुत अच्छे लगेंगे। इन सब पर स्ट्रॉबेरी सिरप सबसे अच्छा रहेगा। विकी, अब इसे खाकर बताओ। वाओ, कितना दिलचस्प है, सब बहुत सुंदर है। चलो इसे देखो। मुझे लॉलीपॉप का आइडिया पसंद आया। और सबसे अच्छी चीज वफल है, कमाल का और बहुत ही अलग सा। अब मैं दादी के क्लासिक वफल को ट्राई करूंगी, यह भी बहुत स्वादिष्ट है। शेफ एनी का एक मास्टरपीस दिख रहा है, यह वास्तव में प्रभावशाली है। मछली बहुत स्वादिष्ट है। वाओ, अब मैं महत्वपूर्ण चीज वफल को ट्राई करूंगी। नहीं, छी, ये सैलरी के साथ वफल है, तो इस बार जीत रही है जेल। उसका वफल सबसे स्वादिष्ट है। ओ, धन्यवाद। अब मुझे बर्गर चाहिए, क्या आप मुझे सरप्राइज कर सकते हैं? आसान, क्यों नहीं, बर्गर मैंने उन्हें पहले कभी नहीं बनाया है। खैर, सब कुछ पहली बार करना होता है,
चलो इसे कोशिश करती हूँ। सबसे पहले मुझे कटलेट को फ्राई करना होगा। वह किसी भी बर्गर का जरूरी चीज होता है। अब आगे एक बन और एक फिलिंग का उपयोग किया जाएगा। सॉस, खीरे, चीज, वह सब कुछ जो सभी को बहुत पसंद आते हैं। जिल, इसे मत छुओ, यह विकी के लिए है। और मुझे लगता है कि मैं खुद कटलेट बनाऊंगी। सबसे पहले मीट ग्राइंडर में मीट को पीसना होगा और तब इसे फ्राइंग पैन में रखना होगा। कटलेट तैयार है। और अब मेरे कलेक्शन का सबसे बढ़िया चीज निकालने का समय है। एक सुनहरा बन। देखो मैंने इसे कैसे छिपा कर रखा था। चश्मे के बिना देखना भी मुश्किल है। उसके साथ मेरा बर्गर अधिक कीमती हो जाएगा। और चीज का क्या? नहीं, ये बहुत सस्ता है। मैं मोल्ड के साथ एक महंगा चीज लेना चाहती हूँ और इसे फ्राई करना चाहती हूँ। हाँ, और फिर इसे बर्गर के ऊपर डालना है। यह असली लग्जरी है। बहुत बढ़िया। अब मेरी बारी है। सबसे पहले पैन में थोड़ा सा तेल डाले। हालांकि कंजूसी क्यों, ज्यादा डालना सही रहेगा। ओ रुको, ये बहुत ज्यादा तेल है, ये छलक जाएगा। क्या? ये ठीक है, मैं सिर्फ एक प्रोटेक्टिव सूट पहन लेती हूँ। पीला जंप सूट और गैस मास्क के बजाय एक ढक्कन। अब मुझे कोई खतरा नहीं है। ओ हाँ, अरे रुको, तुम यहाँ अकेली नहीं हो। तुम्हारी वजह से हम सब पर तेल आ गए हैं। ओह, अब मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है, मुझे एक मीठा बर्गर बनाना होगा। मुझे उसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के ट्रीट्स लेने होंगे। सबसे पहले मैं लिक्विड मार्शमेलो को एक गहरी डिश में डालूंगी और फिर उसमें कुछ डाई मिलाऊंगी। यह इस तरह से बहुत अच्छा होगा। इस मिक्सचर में मैं एक बन डुबोंगी ऐसे, और फिर दूसरा। इस सब के बाद मैं अंदर अलग अलग तरह की कैंडीज डालूंगी। जितना ज्यादा यह होगा, मेरा बर्गर उतना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तो विकी, तुम तैयार हो? हमेशा तैयार। आइए शेफ एनी के इस महंगे बर्गर से शुरू करें। पता नहीं इसका स्वाद कैसा है। मुझे गोल्डन बन की जरूरत नहीं है, पर यह टमाटर अच्छे है। Nice. रुको, पर बर्गर से इतनी बदबू क्यों आ रही है? मुझे इस तरह की चीज से नफरत है। यह घिनौना है। यह मीठा बर्गर अच्छा है, लेकिन मैं पहले से मीठे से थक गई हूँ। मैं कुछ और अच्छा खाना चाहती हूँ। दादी, सारी आशा आप पर है। वाओ, इसकी बात ही अलग है। आपका बर्गर क्लासिक है, वह हमेशा सबसे स्वादिष्ट होता है। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। कूल, मैं सबसे अच्छा केक बनाऊंगा। मेरी प्यारी पोती के लिए कुछ भी आसान, मैं एक शेफ हूँ। स्वादिष्ट क्रीम के बिना किस तरह का केक। ध्यान से एक और केक रखा और क्रीम और एक और केक और एक और डाल दिया। मैं कुछ दिलचस्प करूँगी। यह अच्छा है, अपनी प्रिय पोती के लिए दिल के आकार का केक। मैं इसे थोड़ा सजाऊंगी। चलो एक किटकैट और कुछ क्रीम लेते हैं। यह बढ़िया दिख रहा है। और ऊपर से मैं इस पर चॉकलेट डालूंगी। हाँ बस, यह अच्छा दिख रहा है। मार्गो इसे पसंद करेगी। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि केक कैसा दिखना चाहिए। इसे आधे में काटे, दूसरे आधे को ऊपर से रखे, बीच में काट ले और इसे पलट दे। रंगीन क्रीम केक को इंद्रधनुष की तरह बना देगी। मैं क्रीम को थोड़ा मिला दूंगी और सुंदर फ्लफी बादल बनाऊंगी। बहुत सुंदर। यस! अब मैं इस पर सुंदर आंखें और एक मुंह भी बनाऊंगी। एक असली मास्टरपीस को ऐसा होना चाहिए। आपके पास कोई मौका नहीं है। केक को सुंदर दिखना जरूरी नहीं है, जरूरी है कि इसे स्वादिष्ट होना चाहिए। जब पहाड़ केक जैसा दिख भी नहीं रहा है, भयानक। यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है, अभी मेरा केक भी खूबसूरत दिखेगा। पिघली हुई रंगीन चॉकलेट। हाँ चलो, और यह चमकीली कैंडी। लड़कियों को रंगीन और चमकीली चीज काफी पसंद होते हैं। इसे धीरे से उठाया। वाह, यह सुंदर दिख रहा है। वाह,
मेरा केक तो जरूर जीतेगा। ये कितना अच्छा दिख रहा है। वाह, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन मेरा केक अभी भी बेहतर है। वाह, कितना सुंदर और चमकीला केक। शायद मैं इसके साथ शुरू करूंगी। Awesome! कितना स्वादिष्ट है। मैं दादी का केक ट्राई करती हूँ। मेरा फेवरेट कैंडी और चॉकलेट, बहुत बढ़िया। यह किस तरह का अजीब केक है। खैर, मैं ट्राई करूंगी। इसका स्वाद भी बहुत अच्छा नहीं है। तो शेफ के द्वारा बनाया गया केक